आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों की तरफ। रेलवे के आए लोको सुरक्षा अधिकारी दिए सुझाव और पुरस्कार। रेलवे में आज लोको सुरक्षा अधिकारी आए जिन्होंने यहां पर सुरक्षा मानकों का अवलोकन किया, साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए। सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने यहां पर व्याप्त अनियमितताओं का भी अवलोकन किया, साथ ही 2000 रुपए का इनाम भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया। हेलो, मुख्य सुरक्षा अधिकारी आए थे। क्या नाम है इनका? श्री राजेश कुमार अग्रवाल। तो इन्हें क्या आज निरीक्षण किया है? उन्होंने सभी सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया है। अच्छा, इसमें और क्या कुछ उन्होंने और कुछ सुझाव दिए जो आगे आने वाले टाइम में पूरे होंगे। कुछ उन्होंने तारीफ की है, जिसका एक रनर रूम अवार्ड दिया 2000 रुपये का, और लॉबी के लिए भी तारीफ की है उत्कृष्ट कार्य के लिए, लोगों निरीक्षकों की तारीफ के लिए। कुछ सुझाव दिए उन्होंने फ्यूचर के लिए और बेटर कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार है, आप मुख्य लोको निरीक्षक। बरवरपुरा में करीब 5.5 लाख रुपए की चोरी। बरवरपुरा में मदरसे के सामने रहने वाले एक परिवार के यहां चोरी की घटना हो गई। चोरी की वारदात तब हुई जब परिवार एक शादी समारोह में गए हुए थे। देर रात वापस आने पर देखा कि घर का पिछला गेट खुला हुआ था। मामले की जांच कर रहे कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे के अनुसार मामला संदिग्ध है। हालांकि परिजन पैसा मदरसे का बता रहे हैं, पर समझ से परे है कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसा घर में क्यों रखा गया, इस पैसे को बैंक में जमा क्यों नहीं किया गया। नाम अब्दुल सत्तार है, मदरसे बरवरपुरा के सामने रहता हूँ मैं। हम लोग कल दिन में 11 बजे हमारे धर्मगुरु हैं मुफ्ती जुनेद साहब नरवर और शिवपुरी हम गए हुए थे। वहाँ से आज सुबह लगभग 3-3.30 बजे हम लौटे, तो घर पे देखा तो पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अलमारी टूटी हुई थी, और उसमें कुछ घर के गहने और घर से हमारे सामने जो मदरसा है उसका संस्था का भी पैसा रखा हुआ था। करीबन कितना? करीबन 5.5 लाख रुपए नकद था, जो संस्था का पैसा था उसमें 5 लाख रुपए, और बाकी मेरा 50,000 रुपए पर्सनल था, और बाकी कुछ गहने थे 50-75,000 के, 1 लाख की लगभग गहने हुए। करीबन कितने लाख की आपकी? टोटल 6.5 लाख के लगभग। रात में करीबन कितने बजे की आपको लग रहा है ये घटना हो सकता है? कि ये हम लोग 3 बजे आके पहुँचे तो हमें दरवाज़ा पीछे वाला खुला मिला और सामने वाले दरवाजे पर चोट के और उसके निशान थे, दरवाजे ताले के ऊपर वो कुछ सब्बल अब्बल मार के तोड़ने की कोशिश की होगी। गुना जेल में हुई एक कैदी की मौत। कैदी का नाम साजिद खान, निवासी जामनेर बताया जा रहा है, जो गुना जेल में 376 और अपहरण के केस में गुना जेल में तकरीबन 4 माह से सजा काट रहा था। कल इसको पेशी पर लाया गया, तब उसके परिजन मिले, तब उसकी तबीयत बहुत खराब थी। पेशी कराकर वापस जाने के बाद कैदी की अचानक मौत हो गई। जब जेल प्रशासन द्वारा कैदी को जिला अस्पताल में लाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कैदी की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने जेल प्रशासन की लापरवाही इसमें बताई है, साथ ही परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने झूठा मुकदमा कर साजिद खान को फंसाया है। सूत्रों की माने तो थाना प्रभारी मनीष डावर ने पहले ही साजिद की सुरक्षा की बात की थी, उन्हें आशंका थी कि साजिद के साथ जेल में कुछ भी हो सकता है। Thank you.
मैं कल मेरे भाई से मिलने गया था, तो कल उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बोला मेरे को सीने में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया तुमने, तो उन्होंने बोला डॉक्टर मेरे को देख गए लेकिन अभी तक मेरे को कोई मदद नहीं मिली है मेडिसिन में। तो जब मैंने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बोला कि इनको कल जो है ना हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना शाम को मेरे पास 9 बजे खबर आती है तुम्हारे भैया ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, इनको 3 महीने पहले अपहरण के केस में और छहत्तर के केस में बंद किया गया था। मेरे भाई को मेरे घर से पुलिस उठाकर लेके गई थी, जबकि लड़की किसी और के साथ फरार हुई थी और लड़की किसी और के साथ झूठा केस था। मेडिकल रिपोर्ट में कहीं से कहीं तक कुछ भी चीज़ नहीं आई हुई है। और अब ये जो है ना पुलिस वालों से जब मैंने बात करी तो दोनों पुलिस वालों ने अलग अलग बयान दिए। एक ने बोला कि शाम को 6:30 बजे खाना खाते टाइम ये बेहोश हो गए थे, दूसरा बोला कि जो है ना अस्पताल में आने के बाद उनकी मौत, जबकि अस्पताल में रिसेप्शन जब मैंने पता किया तो उन्होंने बोला जब यहाँ पे आए थे मेरे तरफ था साजिद खान। उमर उमर लड़की के बाप का नाम क्या था? सीटू के नेतृत्व में समान कार्य समान वेतन दिलाए जाने के लिए किया गया धरना प्रदर्शन, मोदी सरकार के नए कानून बनाए जाने का भी विरोध किया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों के आगे नतमस्तक है। ये तो पूरे देश की समस्या है, हर मजदूर को, हर किसान को, हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस लाल झंडे। आज CITU के नेतृत्व में पूरे देश भर में विरोध दिवस आयोजित किया गया। इसके पहले भी 22 दिसंबर 2016 को CITU के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था, समान काम का समान वेतन के कानून को लागू करने की मांग की गई। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 26 अक्टूबर 2016 को निर्णय कर दिया है कि ये समान काम का समान वेतन लागू किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का किसी भी निर्णय कानून बन जाता है। आज जब वो कानून है तब उस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। उसी तरीके से ठेका श्रम उन्मूलन का जो कानून है वो स्थाई प्रकृति के कार्यों में ठेका प्रथा नहीं होती है। NFL के सारे काम स्थाई प्रकृति के हैं किंतु उसमें ठेका प्रथा लागू है। कानून में ये भी लिखा है कि अगर ऐसे कामों को जो हमेशा चलने वाले हैं ठेका प्रथा अगर की जाती है तो उनको परमानेंट कर्मचारी को जो न्यूनतम वेतन मिलता है उससे कम नहीं दिया जाना चाहिए। मगर जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो न्यूनतम वेतन से लेकर कानून का पालन इस जिले की सीमा में हो रहा है कि नहीं वो देखे। मगर कलेक्टर को हमने 22 दिसंबर को ज्ञापन दिया, उसके बाद जो भी उसको लागू नहीं किया गया। C2 के अंदर आज ये पूरे देश में जो मांग है उसमें ये भी मांग जोड़ी गई है कि हर परिवार को 35 किलो अनाज 1 रुपये किलो की दर से मिलना चाहिए। और भी जो सरकार की श्रम विरोधी नीतियाँ चल रही हैं, मोदी सरकार ने जो 44 कानूनों को श्रम कानूनों को खत्म करने के बाद 4 कानून बनाने का जो आह्वान किया है उसका विरोध किया जा रहा है। भाई शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने राजस्थान की तर्ज पर श्रम कानूनों में ढील देने का प्रस्ताव तैयार किया है, उसका भी हम विरोध करते हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लगाओ और भगाओ की नीति अपनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ये भी प्रस्ताव तैयार किया है कि किसी भी मजदूर को कोई भी मालिक कभी भी मालिक निकाल सकता है। ये उद्योगपतियों के चरणों में नतमस्तक होने वाली शिवराज सिंह चौहान की सरकार मजदूरों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। जो कानून आजादी के पहले मजदूरों ने हासिल किए हैं उनको छीनने की कोशिश कर रही है। CITU उसका विरोध कर रही है। गुना में भी ये आज का प्रदर्शन आंदोलन के जरिए ये ज्ञापन कलेक्टर को दिया जाए। रेलवे में अव्यवस्थाओं के लिए धरना देकर दिया ज्ञापन, साथ ही कहा गया कि रेलवे में मकानों में बरसात में पानी टपकता है। साथ ही और भी कई अव्यवस्थाओं जैसे भ्रष्टाचार, खराब सड़कें, साथ ही विभाग में कर्मचारियों का शोषण भी रेलवे में होता है। इन सभी बातों को लेकर रेलवे मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन दिया आपने? आज हमने पूरे जोनल रेलवे पे जहाँ जहाँ सहायक मंडल इंजीनियर के कार्यालय हैं वहाँ वहाँ पर इंजीनियरिंग की विशेष रूप से समस्याओं को लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा है। धरना देने के बाद प्रमुख रूप से इंजीनियरिंग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है
जैसे क्वार्टरों के अनुरक्षण की बात है, रोड बनती हैं कॉलोनी में, सीवेज टूटे पड़े हुए हैं, दरवाजे टूटे पड़े हुए हैं, इन सारी बातों को लेकर के जो पैसा रेलवे का आता है अनुरक्षण के लिए वो उसमें लगता नहीं है। और क्वार्टरों की यथास्थिति रहती है, छतें लीकेज होती रहती हैं, दरवाजे टूटे पड़े हुए हैं बरसों बरसों से, तो उन सब समस्याओं के लिए हमने दिया। दूसरा, जो कार्य होता है वो क्वालिटी का नहीं होता, वो इधर होता है और उधर टूट जाता है, तो उसको लेकर के। तीसरा, जो कर्मचारियों का शोषण होता है इस विभाग के अंदर, शोषण होने के तरीके क्या हैं कि एक तो इस विभाग के कर्मचारियों को घरेलू काम में बहुत लगाया जाता है, जो घरेलू काम 2-3 हज़ार रुपये की लेबर से कराया जा सकता हो उसके लिए एक रेल का 25-40-50 हज़ार रुपये का कर्मचारी लगता है और 2-2, 3-3 कर्मचारी उसके लिए लगाए लिए जाते हैं, तो उनका काम का बोझ जो बचे कर्मचारियों पे आता है। फिर अगर वो कार्य पूरा नहीं होता तो उनको एब्सेंट लगाया जाता है, उनको दूसरे तरीकों से परेशान किया जाता है। तो ये सब जो शोषण की गतिविधियां चल रही हैं, प्रक्रिया जो चल रही है उसको लेकर के था, अनुरक्षण नहीं है, इससे सारे हमारा पूरा स्टाफ प्रभावित है, हर वर्ग का कर्मचारी प्रभावित है, उसको लेकर के था। और जो इंजीनियरिंग में गैंगमैनों के साथ जो वेतन की भत्तों की ये जो मांगें लंबित हैं, इनको लेकर के हमारा प्रदर्शन था। मैं वीपी सिंह, वेस्ट सेंट्रल में मजदूर संघ गुना शाखा का सचिव हूँ। अल्पसंख्यक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा संघ के बैनर तले मानस भवन में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता मांगन खेड़े मौजूद रहीं, साथ ही जिलाधीश महोदय भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौजूद नारी शक्ति को शिक्षा के अधिकार और शिक्षा मिलने वाली शक्ति का एहसास कराया गया। कार्यक्रम में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी देखने को मिली। ईद मिलन समारोह के दौरान वक्ताओं ने सभी को ईद की दिली मुबारकबाद भी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में कुरान की तिलावत करने वाली नेहा कुरैशी ने जब संस्कृत के श्लोकों के साथ रामचरितमानस और भागवत गीता सुनाई तो लोग एक छोटी सी बच्ची के मुख से श्लोक सुनकर भाव विभोर हो गए। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले अल्पसंख्यक मदरसा और मस्जिद सालीन इकराम, आज हमारे दरमियान में बहुत खुशी की बात है और खुशकिस्मती के मकाम है कि शहर के अंदर ईद का त्यौहार अभी कुछ ही दिन पहले गुजरा है और ईद का जो त्यौहार गुजरता है वो तो मुस्लिम समाज के उस दिन नमाज और तमाम धार्मिक क्रियाओं में बहुत सा वक्त हमारा निकल जाता है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि शहर के सभी लोग एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर और हम आपस के अंदर ऐसी खुशियां बांटें जिससे पूरे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम जाए। निर्मला जी भी उपस्थित है, निर्मला जी वाजपेयी उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी की किसान संदेश यात्रा आज बजरंगगढ़ मंडल से शुरू हुई। यह यात्रा 425 पंचायतों और करीब 870 गांवों में जाकर सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के बारे में किसानों को जागृत करेगी। जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर बजरंगगढ़ से इस यात्रा का शुभारंभ किया। इनके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया कि प्रदेश का मुखिया के नेतृत्व में हर विधानसभा का विधायक अपनी अपनी विधानसभा में जाए और गांव-गांव जाकर के चौपालों पर बैठ करके लोगों से बात करके अपने द्वारा जो काम किए जा रहे हैं जनहित के उनको जनता तक पहुंचाएं, इसी उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा 6-7 जुलाई तक चलेगी और सभी गांव में घूमेगी। आज बजरंगगढ़ से इस यात्रा का शुभारंभ किया है। आप सब इस यात्रा के संदेश को जनता तक पहुंचाएं, जो पत्रक दिया जा रहा है उस पत्रक को पढ़ें और जन जन तक पहुंचाएं, पार्टी की रीति नीति को लोगों को बताएं। इसी आशा अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। लुधियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।